हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और शेयर करिए। वीडियो में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोटेक्शन गिवन बाई ए फॉरन कंट्री टू अ पोलिटिकल रिफ्यूजी, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी अजाइलम इसके लिए राइट आंसर है। तो जो प्रोटेक्शन दी जाती है किसी को, किसी पोलिटिकल रिफ्यूजी को, उसे अजाइलम कहते हैं। किसी राज्य या देश द्वारा अन्य देश के नागरिक को दी गई शरण राजनीतिक कारणों से, विशेषतः, तो उसको हम अजाइलम कहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में प्लेस ऑफ सेफ्टी या फिर शेल्टर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर वन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो यहाँ पे आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी गई है और उसका क्या मीनिंग है, चार अल्टरनेटिव्स हैं, जो बेस्ट मीनिंग है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर वन का बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस और इफेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, बिजार। बिजार का मतलब होता है जो कि एक विचित्र, एक तरह से, तो हिंदी में देखें तो इसका मतलब विचित्र होता है, और स्ट्रेंज इन अपीयरेंस और इफेक्ट, तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन बी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बिजार का मतलब होता है विचित्र या वियर्ड, ऑड, और यूनिक तो नहीं बोलेंगे हम, या एक्जॉटिक जिसको हम बोल सकते हैं। सेकंड के लिए सी राइट ऑप्शन था। थर्ड देख लेते हैं, तो पब्लिक डिक्लेरेशन बाय ए पॉलिटिकल पार्टी रूलर एटसेट्रा ऑफ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपने भी सुना होगा जो डिक्लेरेशन होती है, तो अपने मैनिफेस्टो में पार्टी ये बताती है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में अगर जीतेगी तो क्या करेगी। ऑप्शन सी जो है थर्ड के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अ मैनिफेस्टो इज अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन, मोटिव्स और व्यूज ऑफ इश्यूअर यानी पॉलिटिकल पार्टी बाय इट एन इंडिविजुअल, ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट। तो ऑप्शन सी जो है थर्ड के लिए राइट आंसर हो जाएगा, और मैनिफेस्टो को हम घोषणा पत्र भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो बहुपतित्व इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पोलियंड्री, तो फोर्थ के लिए ए पोलियंड्री राइट आंसर है। कस्टम ऑफ हैविंग वन मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो एक ही समय में एक से अधिक पति होना जो है वो बहुपतित्व कहलाता है। आपने एक बुक आपने पढ़ी होगी, पोलेंड्री इन दी हिमालय, तो पढ़ी नहीं होगी या सुना होगा इसके बारे में। तो इसके ऑथर जो थे वो यशवंत सिंह परमार थे, और पोलेंड्री या बहुपतित्व जो है वो आपके किन्नौर जिले में देखने को मिलता था पुराने समय में, या कुछ जगह आपको शायद या लाहौल में भी ये चीज़ देखने को मिलती थी, जिला लाहौल स्पीति में, और किन्नौर और स्पीति के, जो किन्नौर का रीजन है स्पीति के साथ लगता हुआ, वहाँ पर बहुत ये चीज़ देखने को मिलती थी पहले। तो एक इसके पीछे एक वजह थी कि ये क्यों प्रचलित था। पहला, भाईचारा और संबंध बहुपतित्व तथा मुख्यतः वित्तीय या व्यवहारिक कारणों से प्रचलित थी, तो इसके लिए वित्तीय कारण भी थे और भाईचारा बना रहे ये भी था, क्योंकि जो परिवार हैं वो टूटे ना आगे चलकर। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में प्रति पीढ़ी एक विवाह में भूमि स्वामित्व बनाए रखने के लिए जो था, ये पोलेंड्री की जो एक प्रथा थी वो पहले निभाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द आई एंड इट्स डिजीज, तो आंखों से संबंधित बीमारियों और इसकी जो स्टडीज हैं उसको क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, या फिर हिंदी में हम नेत्र विज्ञान भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है फिफ्थ के लिए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइटम्स हैं आगे, इनके लिए चार रिस्पॉन्स या ऑप्शन दिए गए हैं, तो बेस्ट जो है वो आपको बताना है। पीस ऑफ केक, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स में पीस ऑफ केक है, तो इसका क्या आइटम्स का बेस्ट मीनिंग है। सिक्स के लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। तो द सेइंग अ पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग दैट इज सिंपल टू अकम्प्लिश, जो पूरा करने के लिए आसानी हो या बहुत सिंपल एक्टिविटी या कोई टास्क हो। ऑप्शन ए इजी और सिंपल टास्क एक्टिविटी, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग सेवन्थ का जो डी है, टू रिवील अ सीक्रेट, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग के लिए जो है टू रिवील अ सीक्रेट, और कई बार ये इंटेंडली किया जाता है, ये जानबूझ के या फिर कई बार गलती से भी आपका सीक्रेट जो रिवील हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है सेवन्थ के लिए। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ अ गैप, गिफ्ट ऑफ
गिफ्ट ऑफ अ गैप का जो सही इसके लिए करेक्ट आइटम्स होगा, द एबिलिटी टू स्पीक वेल ऑप्शन सी 8th के लिए राइट आंसर हो जाएगा. द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली इन अ वे दैट मेक पीपल वॉन्ट टू लिसन टू यू और बिलीव ऑन यू. तो जो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी है वो अच्छी हो, वेल हो, तो 8th का सी राइट आंसर है. बर्न्स वन फिंगर, इसके लिए ऑप्शन सी सफर फॉर समथिंग दैट वन हैज़ डन राइट आंसर हो जाएगा. तो खुद की उंगली जलाना, यानी जो आपने किया है तो उसका आपको नेगेटिव वे में रिजल्ट मिलना और पछतावा होना. टू सफर अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, स्पेशली लॉस ऑफ मनी, सो यू डोंट वॉन्ट टू द सेम थिंग अगेन. मतलब आपके ऑप्शन भी जो आपने किया है खुद, उसके अनप्लीजेंट रिजल्ट्स हैं, तो ऑप्शन सी जो है सफर फॉर समथिंग दैट हैज़ डन राइट आंसर हो जाएगा. राइट मीनिंग हो जाएगा आइटम्स का, बर्न्स वन फिंगर. ऑप्शन सी जो है 9th का राइट आंसर है. नेक्स्ट देख लेते हैं, 10th के लिए ब्रेक द आइस, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा. टू ओवरकम इनिशियल शाइनेस, तो बी जो है 10th का राइट ऑप्शन है. चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स दी हैं, तो आपको पता करना है कि कौन सी जो है स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही लिखी गई है. चलिए देख, क्वेश्चन नंबर 11 में निमोनिया की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है, तो निमोनिया की स्पेलिंग जो है ऑप्शन डी में राइट लिखी गई है. नेक्स्ट देखते हैं, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, या कई बार हम इसको ल्यूटेंट भी पढ़ते हैं, तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ऑप्शन सी में सही दी गई है. क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ब्लेसफीमस, तो ब्लेसफीमस के लिए ऑप्शन ए जो है सही स्पेलिंग हो जाएगी, BLASPHEMOUS. तो चलिए 13th का ए राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट देखते हैं 14th, एम्बीडेक्स्ट्रस, तो एम्बीडेक्स्ट्रस की स्पेलिंग जो है ऑप्शन सी में सही दी गई है, तो इसका मतलब होता है कपटी या कपट, कपट नहीं, कपटी या छली, जो छलता है. और 15th में आपको एल्यूमिनियम की स्पेलिंग पूछी गई है, तो एल्यूमिनियम की स्पेलिंग जो है ऑप्शन डी में राइट ऑप्शन दी है, एल्यूमिनियम स्पेलिंग का देख सकते हैं. चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है, उसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है. पहला वर्ड है डेरोगेटरी, तो डेरोगेटरी का मीनिंग जो है वो होता है अपमानजनक, तो अपमानजनक का आपको अपोजिट बताना है. डेरोगेटरी के लिए ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री जो है एक अपोजिट इसके लिए सही हो जाएगा, या फ्रेंडली भी आप बोल सकते हैं, तो ऑप्शन दोनों में से सही कोई भी हो सकता है, पर ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट होगा. आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट करिए. स्टिग्मा, नेक्स्ट है स्टिग्मा, तो स्टिग्मा का मीनिंग होता है कलंक, जिसको हम हिंदी में कलंक बोलते हैं, तो या लांछन जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसके लिए अपोजिट हो जाएगा. ऑनर और क्रेडिट, तो ऑनर तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट क्रेडिट जो है ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, स्टिग्मा का अपोजिट. नेक्स्ट है पेट्रोटिक, पेट्रोटिक का मतलब होता है देशभक्ति या देशभक्ति, देशभक्ति, तो पेट्रोटिक के लिए उल्टा हो जाएगा ट्रेट्रस, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है, और ट्रेट्रस का मतलब होता है नमक हराम, तो देशभक्ति, देशभक्त का उल्टा हो जाएगा आपका नमक हराम. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैटल, फैटल है यहाँ पर दिया हुआ वर्ड, तो फैटल का मतलब होता है घातक, और इसके लिए अपोजिट जो है हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी नरिशिंग, इसके लिए अपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट है एनवीएस, तो एनवीएस का मतलब होता है द्वेषी या ईर्ष्या रखने वाला, तो इसके लिए अपोजिट वर्ड हो जाएगा, तो ईर्ष्या रखने वाला या ईर्ष्यालु इसका उल्टा हो जाएगा आपका ग्रेटफुल, तो 20 के लिए डी राइट ऑप्शन है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं. उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिए, और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए. आगे हमारे पास कुछ फिलर्स हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, जो बेस्ट फिलर होगा. तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी जो है आई थिंक इसके लिए राइट आंसर होगा. आप अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए. नेक्स्ट देखते हैं 22, 21 का डी राइट ऑप्शन है. ऑप्शन ए 20 के लिए, 22 के लिए राइट ऑप्शन और ऑप्शन हो जाएगा आई ऑट टू फेस माई एनिमी. नेक्स्ट है 23 के लिए सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, 23 के लिए सी राइट ऑप्शन था. 24 देख लेते हैं, द कंडक्टर, तो 24 के लिए डी राइट ऑप्शन होगा, द कंडक्टर ब्लू द विसल एंड बस स्टॉप्ड. नेक्स्ट है द डैश डैश ऑफ द बर्ड इज अम्यूजिंग, तो ऑप्शन सी जो है द चर्पिंग ऑफ द बर्ड इज अम्यूजिंग, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा.
नेक्स्ट पूछा गया है, हिंदी से रिलेटेड है, मुहावरा है, मिट्टी ठिकाने लगाना का अर्थ है, तो ऑप्शन डी जो है मृतक संस्कार होना या दाह संस्कार करना, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो मिट्टी ठिकाने लगाने का मतलब है शव की उचित अंत्येष्टि क्रिया होना या फिर शव की उचित अंत्येष्टि करना। ऑप्शन डी 26 के लिए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बगुला भगत का अर्थ है, बगुला भगत का अर्थ होता है ढोंगी व्यक्ति, ढोंग करने वाला। तो आप देख सकते हैं सी जो है इसके लिए गुप्त कपटाचारी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27 का सी राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो 28 के लिए अंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ होता है हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाना, या फिर ऑप्शन डी हंसने से पेट दुखना, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 29 आंखें बिछाना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना या वेट करना, तो ऑप्शन बी जो है 29 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30 इसमें से पूछा गया है, ख्याली पुलाव पकाना का अर्थ है, तो व्यर्थ कल्पना करना, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, या मनगढ़ंत बातें करना या व्यर्थ कल्पना करना, तो 30 का डी जो है राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको संधि विच्छेद बताने, तो यहाँ पर संधि विच्छेद है, तो गिरीश का ऑप्शन ए में जो संधि विच्छेद दिया गया है वो सही हो जाएगा गिरीश के लिए, गिरी जमा ईश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो महोदय के लिए संधि विच्छेद महा जमा उदय जो है वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है 32 के लिए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इत्यादि, तो इत्यादि का संधि विच्छेद जो है, तो इत्यादि के लिए संधि विच्छेद डी जो है राइट ऑप्शन है, इति जमा आदि, तो याद रखेंगे आप 33 का डी। दुर्वचन के लिए जो है दु जमा वचन, या ऑप्शन डी जो है देख सकते हैं आप, दु हलंत है, माफ कीजिए विसर्गे हैं, प्लस वचन, तो दुर्वचन इसके लिए राइट संधि विच्छेद हो जाएगा। 35 देख सकते हैं आप, यहाँ पर भगवत भक्ति का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है, ऑप्शन सी भगवत प्लस भक्ति जो है इसके लिए राइट संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको शुद्ध उच्चारण या शुद्ध वर्तनी बतानी है। आप देख सकते हैं ओजस्वी जो है वर्ड, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन बी ओजस्वी इस तरह से जो है सही तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद जो है भ्रातृभाव जो है, तो भ्रातृभाव को हम ऑप्शन डी में जो दिया गया है ऐसे बिल्कुल सही लिख। नेक्स्ट है हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप ऑप्शन बी में हस्तक्षेप बिल्कुल सही लिखा गया है। स्वाभाविक आता है क्वेश्चन नंबर 39, तो स्वाभाविक जो है, तो ऑप्शन ऑप्शन डी जो है स्वाभाविक के लिए सही वर्ड होगा, स्वाभाविक होता है स्वभाविक नहीं। नेक्स्ट है गृहस्थी, तो गृहस्थी का ऑप्शन सी जो है वो सही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पीताम्बर में जो है आपका बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका विग्रह कैसे होगा, पीत है अम्बर जिसका, यानी अर्थात श्री कृष्ण, तो कृष्ण को हम पीताम्बर के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन सी जो है पीताम्बर के लिए सही समास है, यानी बहुव्रीहि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जिसका दूसरा उपाय न हो, तो उसके लिए सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसको हम अन्योपाय, यानी जो ऑप्शन सी में लिखा गया है वो सही वर्ड होगा इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हम आहार शब्द का विपरीतार्थक है, तो निराहार और अनाहार जो है आहार का विपरीत होगा, तो सी और डी दोनों ही राइट ऑप्शन है। पता नहीं क्वेश्चन जो आंसर किया उसमें कौन सा सही किया गया था, पर दोनों ही सही होंगे। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चपला चंचला तड़ित ये सभी जो हैं बिजली के लिए पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि ज्योत्सना जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है बिजली के लिए। इसके अलावा सौदामिनी दामिनी शया घनप्रिया एरावती बिजुरी चंचला क्षण प्रभा चपला इंद्रवज्र घनवल्ली तड़ित ये सभी जो है बिजली के लिए पर्यायवाची हैं, जबकि ज्योत्सना जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, री और श वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो री और जो षटकोण वाला यहाँ पर ये श है, तो इसके लिए मुर्धा जो है मुर्धा माफ कीजिए मुर्धा इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो री और श वर्णों का शब्द उच्चारण स्थान क्या है, मुर्धा है। ये टेबल देख सकते हैं आप, यहाँ पर उच्चारण स्थान बताए गए हैं अ आ और क ख ग घ ण, यहाँ तक आपके जो हैं। इसके अलावा ह और अ जो है विसर्ग वाला उसके लिए कंठ हैं, तालुका देख सकते हैं आप, इ ई च छ ज झ ण, और य और श के लिए तालु है। मुर्दा की बात करें तो मुर्दा में आपका री है। आगे देख सकते हैं टवर्ग सारा आर और षटकोण वाला श, दंत की बात करें तो री है।
तवर्ग सारा है, त ध ध धन, और ल और स जो है इसके लिए दंत है। ओष्ठ की बात करें उ ऊ और पवर्ग सारा, और नासिका की बात करें तो ङ ण य न म जो है नासिका है। कंठ तालु की बात करें तो ए ए, और कष्टो कंठोष्ठय की बात करें तो ओ अ, और दंतोष्ठय की बात करें तो व। व ही एकमात्र ऐसा वर्ण है जो दंतोष्ठय से बोला जाता है, दंतोष्ठय। देख सकते हैं आप इस चार्ट को, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान से रिलेटेड है। भारत ने विधि का शासन जो है ये संविधान में कहाँ से ये चीज़ जोड़ी है, कहाँ से आया है ये पैटर्न? तो अंग्रेजी और अमेरिकी विधान से लिया गया है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। तो यहाँ अमेरिकन वर्ड तो नहीं दिया गया है, लेकिन ब्रिटेन विद सर्टन मॉडिफिकेशन दिया गया है। 51 के लिए डी राइट ऑप्शन होगा। कुछ रूपांतरण के साथ ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन संविधान में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, पंचायत समिति का अध्यक्ष जो है वो कैसे चुना जाता है? तो सीधे जनता द्वारा। इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 52 के लिए। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से उनके निर्वाचित सदस्यों और उनमें से किया जाता है। तो 53 के लिए सी जो है अनुच्छेद 356 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी राज्य में किसी स्टेट में जो है मशीन वहाँ की जो लोकल मशीनरी है या स्टेट की मशीनरी है वो जो फेल हो जाती है, तो फिर आर्टिकल 356 के तहत जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसके लिए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अब तो है आपको पता है, योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग बन गया है। और पहले भी जो योजना आयोग थे उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, और अब योजना आयोग की जगह जो नीति आयोग बना है उसके अध्यक्ष भी जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 54 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसमें पूछा गया है, एक समुचित न्यायिक निकाय द्वारा एक व्यक्ति जो कि अविधिक रूप से निरुद्ध किया गया है को छोड़ने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करता है की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड बाई एन अप्रोप्रिएट जुडिशियल बॉडी इन ऑर्डर टू फ्री ए पर्सन हु हैज़ बीन इलीगली डिटेन्ड। कोई पर्सन इलीगली डिटेन्ड किया गया है तो जुडिशियल बॉडी जो है उसके कौन सी जो ऑर्डर है उसको रिट करती है? तो ऑप्शन डी जो है 55 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए, साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।